स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। हमने उसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और अभी हम 14.2 के एक्सरसाइज पे हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको उसके दो क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज The relative humidity of a certain city for a month of 30 days was as follows. So, 30 days, total 30 days का period है, एक month का period है, और कुछ कुछ cities हैं जिसकी humidity हमें given है, percentage है, that which is 98.1, 98.6%, 99.2%, so on up to 84% तक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 to 86 and 86 to 88। हमें वही ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जो हमने अपने लास्ट क्वेश्चंस में बनाया, क्वेश्चन 1 and 2 में। एंड विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस इज अबाउट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है कि विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे इतना इस मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है उसकी, तो ऑब्वियसली कौन से मंथ की ह्यूमिडिटी होगी, ये रेनी सीजन के मंथ की होगी। तो क्वेश्चन 2 का आंसर आप पहले लिख लीजिएगा कि ये रेनी सीजन के मंथ की है। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा की रेंज क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, उससे पहले आप क्वेश्चन 2 और 3 कर लीजिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, जब आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाए तब आप रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी माइनस द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देख लीजिए, वो कौन सी वैल्यू है सबसे जो मैक्सिमम है, दैट इज सो मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी में कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू है 99.2 और कोई मुझे नहीं दिख रही है इससे बड़ी। सो मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं पहले रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू है 99.2 और सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू है आई थिंक 84.9, सो माइनस 84.9। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.3। तो ये हो जाएगी रेंज क्वेश्चन नंबर 3, डाटा की हमने रेंज निकाली। जब भी आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाए आपने यही करना है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी माइनस मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी। क्लियर। सो क्वेश्चन 2 and 3 इज डन एंड नाउ वी हैव टू मेक द टेली मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, दैट कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 to 86 and 86 to 88। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। और सबसे पहले हम रखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लियर, एंड इधर रखते हैं हम टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब उसने हमें कहाँ से कहाँ तक लेके टैली मार्क्स स्टार्ट करने से बोला, उसने बोला 84 से स्टार्ट करने हैं। सो सबसे पहले होगा 84 to 86। अब मैक्सिमम यहाँ पे क्या है 99.2, तो हम 100 तक लेंगे ये, सो 84 to 86। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 86 to 88, नेक्स्ट 88 to 90, देन 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, एंड लास्ट इज 98 to 100। क्लियर। तो यहाँ तक हमारी जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लास्ट इंटरवल्स, क्लियर। अब हमें इनके टैली मार्क्स बनाने, तो टैली मार्क्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 84 से 86 जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, 84 से 86 के बीच में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं, जितनी भी हैं, हमें उतनी लाइन्स लगानी पड़ेगी।
सो 84 से 86 के बीच में हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। 86 हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, 84 से 85 तक कंसीडर करेंगे, मतलब 84, 85 और पॉइंट्स में। तो उसमें मेरे को ये सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है जो कि है 84.9। सो हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा देंगे 84.9 की, क्लियर। नेक्स्ट है 86 टू 88, मतलब 86 और 87 या 86 और 87 के बीच में हमें देखना है। सो उसकी भी मेरे को एक सिंगल ही वैल्यू दिख रही है, दैट इज 86.5। सो इसकी भी क्या हो जाएगी, सिंगल लाइन, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास 88 टू 90। अब 88 से 90 की हमें चेक करनी है कौन कौन सी, 88 से 90 मतलब 88 एंड 89। तो सबसे पहले तो ये सामने है 89, ये हमें दिख रही है, और कौन सी है 89.2, यस, क्लियर। सो दो हो जाएंगी, सो दो टैली मार्क्स आ जाएंगे, क्लियर। साथ साइड 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 पे हम इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, दैट इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 1, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, क्लियर। सो नेक्स्ट है 90 टू 92। सो 90 से 92 मतलब 90 और 91 वाला। सो 90 और 91 वाले में सबसे पहले आएगा 91.2, सो 1 एंड 90.3, सो दिस इज 2 एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई और है। सो इसकी भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, क्लियर। अब है 92 से लेके 94 तक के लिए। सो 92 से लेके 94 तक के लिए कौन कौन से कंसीडर होंगे, 92 93 के बीच में, 92 और 93 इटसेल्फ ये भी कंसीडर होंगे। तो सबसे पहले तो दिस वन 92.5, दिस इज 1, नेक्स्ट इज 92.3, दिस इज 2 एंड देन 92.7, दिस इज 3 एंड देन 93.3, दिस इज 4, देन 92.1, दिस इज 5, देन 92.1 अगेन, दिस इज 6, 93.5, दिस इज 7। सो टोटल हमारे पास हो गए इसके 7, क्लियर। नेक्स्ट है 94 से लेके 96 तक के लिए। तो 94 और 96 कंसीडर करेंगे और उसके बीच में जो भी पॉइंट्स में होंगे, 96 या उससे बाद वाले हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट है 94 से लेके 96 के लिए। तो सबसे पहले तो दिस वन 1, देन 94.2, दिस इज द सेकेंड 95.1, दिस इज द थर्ड एंड 95.1, दिस इज द फोर्थ 95.2, दिस इज द फिफ्थ एंड 95.7, दिस इज द सिक्स्थ, क्लियर। तो टोटल हो गई इसकी 6 फ्रिक्वेंसीज। अब है 96 से लेके 98 तक के लिए। तो 96 से लेके 98 तक के लिए मतलब 98 कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जो भी है वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 96.3, 1, 2, 97.2, 3, then this is the 4, 5 और उसके बाद 97.3, this is the 6 and this is 7। तो इसकी भी frequencies कितनी हो जाएंगी, total 7 frequencies हो जाएंगी। अब है 98 से लेके 100 तक के लिए। अभी हमें 98 से लेके 100 तक के लिए काउंट करने पड़ेंगे। सो उसके लिए सबसे पहला तो नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दोनों ही हैं, सो दो फ्रीक्वेंसीज एंड 99.2, दिस इज थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड 98.3, दिस इज द फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल हमारे पास ये लास्ट थी, तो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी हो जाएंगी, 4 फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा टेबल जो हमें उसने बनाने के लिए बोला था, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस
84 to 86 एंड 86 to 88। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटलिंग करके आ जाएगा 30। क्लियर? आप इनको भी काउंट कर लीजिए, ये भी 30 है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 14.2 एक्सरसाइज का। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनाना है इसमें भी। सो क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेयर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर हैज बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। तो 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमें हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, दैट इज 161 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर सोन अप टू जाएगा ये 159 सेंटीमीटर पे। तो हमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड टेकिंग द इंटरवल्स एज 160 to 165, 165 to 170 एंड वट कैन यू कॉन्क्लूड अबाउट दर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो हमें टेबल बनाना है, इंटरवल्स हमें लेने हैं 160 से 165 ऐसे लेने हैं। लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे लीस्ट हाइट है, वो कौन सी है। तो आई थिंक इसमें जो हम मेरे को दिख रही है दैट इज 150। तो हम इंटरवल 150 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो बड़ी हाइट है वो कौन सी है, हम देख लेते हैं इसमें, दैट इज 172। तो हम सबसे हाईएस्ट जो लेंगे फ्रीक्वेंसी वो हम लेंगे 175 तक। तो ठीक है, अभी हम बनाते हैं इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल और हम इंटरवल स्टार्ट करते हैं 150 से और 5-5 का गैप रखेंगे, मतलब क्लासेस हमारा 5 का होगा बिकॉज उसने क्वेश्चन में बोला है कि 160 से 165 तक का ही रख सकते हैं। सो 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175. तो ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 150 और 155 के बीच में कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। 155 कंक्लूड नहीं करना है, 154 तक ही रखना है। क्लियर? तो हमें कौन कौन सा मेन ढूंढना है, 150, 151, 152, 153 एंड 154। क्लियर? तो जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे ही हम लाइंस लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट है 150, सो 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है, 6, देन 7, देन 8, 154 है ना यहाँ पे, 152, 153 पे, सो 8, 9 एंड 153 इज द 10 एंड देन 153 एंड 154, सो 11 एंड 12। इनको भी हम सर्कल कर देते हैं। ये वाले हो गए 150 से लेके 155 तक के, तो टोटल है ये 12। क्लियर? सो नेक्स्ट है 155 से लेके 160 के लिए हमें चेक करना है। 155 से लेके 160 के लिए, मतलब 116 कंक्लूड नहीं करना है, 155, 156, 157, 158 एंड 159। सो चलते हैं अभी हम देखते हैं कितने हैं उस टोटल, उसमें उतने टैली मार्क्स हम लगा लेंगे। सो 1, ये उसमें हो चुका है, हमने सर्कल नहीं किया है, 154, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल है 9 फ्रीक्वेंसीज जो 155 और 160 के बीच में लाइक करते हैं। सो हम 9 का टेलीमार्क बना लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 9। क्लियर? सो नेक्स्ट है 160 से लेके 160
फाइव तक का इंटरवल, तो 160 से लेके 164 तक काउंट करेंगे, 160 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन. सो टोटल है 160 से लेके 165 तक के 14 अभी तक के सबसे हाईएस्ट हैं. सो 14 टेलीमार्क हम बना लेते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन. सो टोटल है 160 से लेके 165 तक की फ्रीक्वेंसी आई है 14. अब नेक्स्ट चेक करते हैं 165 से लेके 170 तक के लिए. सो 165 से लेके 170 में हम 165 से लेके 169 तक के कंक्लूड करेंगे. सो उसमें है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. सो टोटल आए हैं 10 टेलीमार्क्स इसमें. सो लग बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 10. अब लास्ट है हमारे पास 170 से लेके 175 तक के लिए. तो अभी हमारे पास देख लेते हैं कि उसमें कितने आते हैं. सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव. सो टोटल है इसमें हमारे पास फाइव. सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव. तो टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है फाइव. तो अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो टोटल करके इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 50. क्लियर. तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि 160 से लेके 165 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम हाइट्स, मतलब 14 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट्स मैक्सिमम है 160 से लेके 165 सेंटीमीटर तक, और 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट वाले बच्चे बहुत ही कम हैं. टोटल 15 बच्चे हैं 50 में से. तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल. तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं वन कंक्लूजन दैट वी कैन draw from the table is that more than 50% of students are shorter than 165 centimeter. तो 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इस एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चंस हैं. जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सेम हैं, इसी तरह करने हैं. उनके भी ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं, टेलीमार्क्स बनाना है और कुछ क्वेश्चंस कैसे आंसर देने हैं. तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 5 क्वेश्चंस आर द रिमेनिंग. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वो क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिए. अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन भेज सकती हूँ या उन पर दोबारा वीडियोस बना के आपको भेज सकती हूँ जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 14.3. सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग या पिछले एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू.